वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रूप्स ब्यूटी हब। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा लुक? तो ये लुक मैंने नवरात्रि फेस्टिवल के ऊपर बनाया है, गरबा लुक। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, नवरात्रि आ चुकी है। आई एम सॉरी मैं वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा लेट हो गई, एक्चुअली बहुत काम रहते हैं गाइज, उसके लिए आई एम सॉरी। बट प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा और आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले गाइस ले रही हूँ अपना ओजोन का टोनर और उसको मैंने अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं लूँगी अपने हिमालय की बेबी क्रीम एज अ मॉइस्चराइज़र। मैं हमेशा इसको यूज़ करती हूँ, आप लोग जानते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो वो उन लोगों के लिए बता दूँ, मैं मॉइस्चराइज़र उसे यूज़ करती हूँ। और ये मेरा सिरम है गुड वाइब्स का, रोज़ हिम सिरप, सिरप कह रही हूँ सिरम। उसके बाद मैं इल्यूमिनेटर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का। तो इसको देखिए आप गाइस, मेरा फेस देखिए, एकदम इसने सिल्वर शाइन दे दिया है मेरे फेस को। तो अभी आपको थोड़ा सा ये अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अभी जब मैं इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करूँगी तो ये बिल्कुल मर्ज हो जाएगा उसमें। तो यहाँ मैंने उसके ऊपर फाउंडेशन टैप टैप करके अपनी फिंगर से पूरा अपने, और नेक एरिया पर ज़रूर आप फाउंडेशन लगाएं, नहीं तो वो बहुत ही बेकार लगता है। और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने उसको ब्लेंड कर दिया है। उसके बाद मैं एक स्पूली की हेल्प से अपनी ब्राउ सेट कर रही हूँ और स्विस ब्यूटी का ब्राउ पाउडर मैंने अपनी ब्राउज पे फिल कर किया है। हमेशा ही यही वाला यूज़ करती हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग जानते होंगे कि मैं शुरू से ही मतलब यही वाला यूज़ करती हूँ। फिर मैं ले रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का कंसीलर और उसको मैंने अपने डार्क एरिया पे लगा लिया है और वहाँ पे मैं फिक्स कर लूँगी इसको, ब्लेंड नहीं करूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको वहीं पे फिक्स कर लिया है। फिर मैं फिटमी का कॉम्पैक्ट ले रही हूँ और अपने आईज़ के नीचे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे को अभी अपनी आईज़ आई लुक क्रिएट करना है तो जो फॉल आउट हो तो वो ईज़िली हट जाए। और मैंने अपने आईज़ के कॉर्नर पर टेप लगा लिया है, ऐसे में क्या होता है आई लुक बहुत ईजी हो जाता है क्रिएट करने में। और एक लाइट शेड ले लिया है ग्रीन कलर का और उसको एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने उससे थोड़ा डार्क शेड लिया है और एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं अपने क्रीज एरिया पे अप्लाई करूँगी। और ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है गाइज। अगर आप आई लुक या फाउंडेशन कुछ भी अप्लाई करते हैं तो जितना आप ब्लेंड करके अच्छे से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर ये मेरी NYBA की ग्रीन पेंसिल है जिसको मैं रफली लाइनर के जैसे यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है कंसीलर और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं उसको थोड़ा सा कट, मतलब जैसे कि एक आँखों को कॉर्नर एरिया से शुरू करके मतलब हाफ एरिया तक लगाऊंगी। उससे क्या होता है ना कि मेरे को इसके ऊपर एक नियॉन ग्रीन मतलब नियॉन शेड लगाना है, तो अगर मैं डायरेक्ट लगाऊंगी तो वो उतना उठ के आएगा नहीं। तो मेरे को कट क्रीज के जैसे थोड़ा सा आई लुक क्रिएट करना था, बट उतना तो नहीं हो पाएगा इससे, लेकिन हाँ कई हद तक कवरेज मिल जाएगी। तो ये वाला शेड मेरे को इसके ऊपर अप्लाई करना है। मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको इसके ऊपर टैप 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 करके अप्लाई कर दूंगी, क्योंकि आई बेस मेरे पास नहीं था तो मैंने कंसीलर को ही अप्लाई किया वहाँ पर। कुछ इस तरीके से, और उसके बाद उसको पूरा मर्ज कर लिया है मैंने पीछे से शुरू करके। फिर मैं लगा रही हूँ अपना शुगर का लाइनर
और यहाँ पे मैं अपना काजल ना थोड़ा अपर लिड पे भी लगा ले रही हूँ, उससे क्या है ना आंखें आपकी बहुत अच्छी लगती हैं। एक बार मैं फिर से उसको अच्छे से ड्रॉ कर रही हूँ। पता नहीं क्या हुआ था, मेरा लाइनर ही नहीं अच्छे से लग रहा था इस बार। मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम अगर कुछ किसी चीज़ में लगाया तो वो लाइनर में लगा है। और गाइज मैंने मस्कारा लगा लिया है। एक्चुअली शायद वीडियो मुझसे गलती से वो डिलीट हो गई, तो मैंने अपना मेबलिन का ही मस्कारा लगाया था। उसके बाद मैं उसको जो शेड मैंने ऊपर लगाया है लाइट ग्रीन, वो नीचे लगा के और कॉर्नर एरिया पे नियॉन शेड अप्लाई करूँगी, जिससे कि थोड़ा सा स्मोकी लुक मिल जाए। उसके बाद मेरी आंखों में कुछ चुभ रहा था तो उसके बाद मैं अभी लाइनर नीचे भी ड्रॉ करूँगी। मैं थोड़ा सा हैवी लुक दे रही हूँ यहाँ पर, और मैं आई लुक थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ अपना आज। तो यहाँ पे मैंने वीडियो आप लोगों के लिए स्लो कर दी है। गाइज वीडियो मुझे फास्ट करनी पड़ती है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आई लुक करते समय मैंने वीडियो थोड़ा सा स्लो किया है, जिससे कि आप लोग अच्छे से देख लें। तो मैंने इस तरीके से आईज क्रिएट की हैं अपनी। उसके बाद मैंने शुगर का पैलेट लिया है और मैं उससे कर रही हूँ कॉन्टोर कुछ इस तरीके से। किस किस को ये पैलेट अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। और इन सब प्रोडक्ट का लिंक आपको मेरे हाँ पर्पल हॉल में मिल जाएगा। अगर आप इसमें से कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप मेरा लास्ट तो नहीं, मतलब मेरे पीछे मतलब पहले के वीडियोस में जाएंगे तो आपको पर्पल हॉल वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें से आप जाके बाय कर सकते हैं। आप लिंक ओपन करेंगे आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ कॉन्टोर कर लिया है अपने फेस को, अब मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये पैलेट। एकदम नेचुरल सा ग्लो प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चमकी चमकी। और बहुत ही जल्दी आपको फिर से मेरा एक पर्पल हॉल देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने उसी पैलेट नहीं, मैंने शिवाना का पैलेट लिया है, उसमें से मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उसको शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि मेरा जो कॉन्टोर मैंने किया है ना वो एकदम दिखे। तो ये चीज़ मैं भूल गई थी गाइस, अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करना मैं भूल गई थी, और कॉर्नर एरिया को आई। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि इससे आपका मेकअप और अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक, और लिपस्टिक आज मैंने डार्क ली है एकदम। तो ये हुड्डा ब्यूटी की लिपस्टिक है, ये रेप्लिका है उसकी, मैंने लोकल शॉप से परचेज़ किया था। और इस लिपस्टिक को शायद मैं आज पहली बार यूज़ कर रही हूँ, इतना डार्क शेड। और यहाँ पे मैं अपने एक लाइनर से ना मतलब थोड़ा सा वो तिल बना रही हूँ फेक, जिससे कि थोड़ा लगे कि हम जा रहे हैं गरबा खेलने के लिए। गाइस प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, मैंने बड़े एफर्ट्स डाले हैं इस वीडियो में, और मेरे पास ब्लैक बिंदी नहीं थी तो बस इस तरीके से बिंदी लगा ली मैंने।
गाइज ये था मेरा पहला लुक जिसके लिए मैंने ग्रीन आईज मतलब अपनी ग्रीन आई स्मोकी आईज बनाई थी। और अभी मैं आपको इसी मेकअप में अपना एक दूसरा लुक दिखाऊंगी कि आप उसको किस तरीके से वेयर कर सकते हैं। तो बस मैं चेंज करके आती हूँ। गाइज सेकेंड लुक मेरा ये है जो कि मैंने एक ब्लैक कलर की जैगिंग एंड ब्लैक कलर की सिंपल से टॉप के ऊपर दुपट्टे को ड्रेप किया हुआ है। और ये भी जो आप देख रहे हैं ना ये मेरा इयररिंग है। मेरे पास ऐसी ऑक्सीडाइज माथा पट्टी नहीं थी, इयररिंग्स तो है मेरे पास बट माथा पट्टी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको ही पिनअप किया हुआ है अभी आपको दिखाने के लिए कि अगर आपके पास नहीं है तो भी आप किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। देखिए आप दिस इज माई सेकेंड लुक। सो गाइज प्लीज प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैंने गाइज मेरे पास ना एक्चुअली ना ड्रेस थी ना ज्वेलरी थी, तो ये मैंने पुरानी ज्वेलरी और ऐसे ही जुगाड़ से मतलब आपके लिए ये इस वजह से मेरी वीडियो फिलहाल लेट हुई आने में, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं क्या पहन के बनाऊँ गरबा के लिए। मेरे पास ड्रेस नहीं है, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, फिर मैंने कहा कुछ नहीं रूपाली जो भी है तो उसी में ही करके दिखा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।